इन साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक का महत्व इस बात से बढ़ जाती है कि आपको प्रतियोगी जो छात्र हैं उनके लिए भी है यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावे ऐसे बच्चे जो आपको 2022 में 12th के बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि ये तो हमारे सिलेबस में इसकी चर्चा कहीं कहीं मिलती है। तो देखिए, अब जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में आपको क्या करना है कि संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हमें बढ़िया से जानकारी लेनी है ताकि हमारे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है। तो देखिए, जब भारतीय संविधान पारित हुआ उस समय भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद थे वो आपको 395 थे, जबकि अनुसूची जो थी वो आपको 8 थी। वहीं भाग की बात अगर किया जाए तो भाग जो था उस समय वो आपको 22 था। लेकिन अगर हम वर्तमान में अगर तुलना करते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो आपको 465 है। वहीं आपको अनुसूची की जो संख्या है वो आपको 12 है। वहीं भाग की बात किया जाए तो वह आपको 25 है। तो एक नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। चलिए दूसरा प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन से ही निर्धारित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में जो है अभी जो करेंट में अभी अनुच्छेद की संख्या है वो आपको 465 है और अनुसूची जो है वो आपको कितनी है, 12 है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ दिए गए विकल्पों के अनुसार अगर ढूंढा जाए तो आपको इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो धाराओं की कुल संख्या है वो आपको 465 है। लेकिन इसमें तीन नंबर प्रश्न में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पे 465 है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको 3 का डी हो जाएगा। तो तीन नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, 465, ठीक है ना। चलिए चौथा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। और ऐसे भी भारत में क्या है कि आपको संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया गया कि कनाडा से लेकर अपनाया गया, जिसमें आपको क्या होती है कि सरकार का जो गठन होता है वो आपको दोहरे स्तर पर होता है, ठीक है ना। एक आपको केंद्र सरकार और एक जो होता है यानी कि उसकी इकाइयां, जिसको हम लोग भारत में राज्य सरकार के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए पाँच में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए, अनुच्छेद जो है 5 से 11 इसमें आपको क्या है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। फिर अगर यहीं पे पूछ दिया जाता कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधित प्रावधान है तो भाग 2 हो जाता, ठीक है ना, अनुच्छेद 5 से 11 होगा। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, यानी कि भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक में, तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए सात में, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो मूल अधिकार है यह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है, प्रेरित है, ठीक है ना। यानी कि मूल अधिकार हम कहते हैं किसको, तो देखिए लोगों के यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए, ठीक है ना, जो अधिकार दिए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार, ठीक है ना। और भारतीय संविधान में क्या था कि मूल में, ठीक है ना, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में आपको 6 ही मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, अर्थात एक मौलिक अधिकार को जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अभी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार 6 है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको क्या है
यानी कि समता या समानता का अधिकार। दूसरा जो है वह क्या है, तो दूसरा जो है वह आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आपको तीसरा जो है वह आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा जो है वह आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा जो है वह आपको संस्कृति व शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना, यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इन सारे मौलिक अधिकारों के बारे में जो चर्चा की गई है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको ए हो जाएगा, यानी कि मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान में जो की गई है वह 12 से 35 तक में की गई, तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कह रहा है कि नौकरियों, ठीक है ना, तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। तो आज देखते हुएगा कि विभिन्न सरकारी सेवाओं में क्या है कि जो नौकरी है, शैक्षणिक संस्थाएं होती है, उन सब में क्या है कि विभिन्न वर्ग के लोगों को क्या है कि आरक्षण दिया गया है। जैसे कि आपको OBC, उन्हें जो है आपको 27% आरक्षण दिया गया है। वहीं आपको अनुसूचित जाति जिसे 15% आरक्षण दिया गया है, वहीं आपको अनुसूचित जनजाति जिन्हें 7.5% आरक्षण दिया गया है, वहीं आपको आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण दिया गया है। तो ये जो भी आरक्षण है सरकार दे रही है, ठीक है ना, यानी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में, यह आपको यानी कि अनुच्छेद 16 के तहत देती है, यानी कि केंद्र सरकार को अनुच्छेद 16 जो है यह अधिकार देता है कि वह कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए 9 में क्या कह रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है। तो यह है आपको अनुच्छेद 17, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत आप किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आप किसी व्यक्ति से छुआछूत या अस्पृश्यता जैसे कोई भी गतिविधि को अंजाम देते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत यह क्या है कि आपको दंडनीय है, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के तहत है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी है, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए 10 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो यह आपको अनुच्छेद 57 करता है। कौन करता है, अनुच्छेद 57, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से राष्ट्रपति की बात आई, तो राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे भारत में कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन इनके शक्ति का जो वास्तविक रूप से प्रयोग करते हैं वो आपको प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे किस अनुच्छेद के तहत। तो देखिए भारत में एक राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 के तहत। इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। भारत में ये जो कार्यपालिका है इसके संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो इसके जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति है वो आपको महामहिम श्री रामनाथ कोविंद है, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देखना है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता जो निर्धारित करता है वह आपको अनुच्छेद 57 करता है। तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो यह आपको अनुच्छेद 19 के तहत दी गई, किसके तहत दी गई है, अनुच्छेद 19 के तहत, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, उसी में से एक जो है भाषण, वह क्या है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएंगे वह आपको ए हो जाएंगे। चलिए 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। तो 12 का सही आंसर जो हो जाएंगे वो आपको डी होगा, ठीक है। चलिए 13 में, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो यह आपको अनुच्छेद यानी कि 24 है, ठीक है ना, क्योंकि अनुच्छेद 24 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि यह एक दंडनीय अपराध है, ठीक है ना, और यह आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएंगे वह आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो यह आपको अनुच्छेद जो है आपको 29 में की गई है, क्योंकि
संस्कृति व जो शिक्षा का अधिकार है, जिसका चर्चा जो है आपको 29 और 30 में है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो मतलब कि अल्पसंख्यक के हितों की जो बात है वह 29 और 30 दोनों में की गई है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको दिए गए ऑप्शन के अनुसार वह आपको 14 का ये जो बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 29 में। चलिए 15 में, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत क्या करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा को खटखटा सकते हैं, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है आपकी बातों को सुनेगी और वह 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे जहाँ से आपके मौलिक अधिकार का मतलब कि हनन हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो अनुच्छेद 32। अगर यहीं पर अगर उच्च न्यायालय की बात किया जाता तो अनुच्छेद 226 हो जाता, ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत आपको उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 16, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। एक चीज़ याद रखिएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आपको आयरलैंड के संविधान से क्या है कि प्रेरित है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य क्या करना, बनाना। और ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसकी चर्चा जो है संविधान के भाग 4 में है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन सारे चीज़ों को नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, अनुच्छेद का 100 अनुच्छेद पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। आप इसको एक अलग से पतले कॉपी जो होते हैं 5 रुपये वाले, उसमें आप इसको नोट करते चलेंगे, जो जो बातें हम कह रहे हैं सारे को नोट करते चलेंगे आप, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह आपको अनुच्छेद 39 में क्या है कि वर्णित है। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि शुरू में ही बताए हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो चर्चा है अनुच्छेद 36 से 51 में है, ठीक है ना। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य ही था भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको बी हो जाएगा। चलिए 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 जो है, ठीक है ना, वह राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का क्या करता है, निर्देश देता है। और यह आपको अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद है, ठीक है। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 19 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 51 के ए में, यानी कि 19 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से प्रेरित है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वह आपको रशिया यानी कि रूस से क्या किया गया, लिया गया है। और भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो जिस समय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन अभी भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको प्रदान किए गए हैं, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और कर लिया जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य है यह किसके अनुशंसा से जोड़ा गया था, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्णसी समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया था कि जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। हाँ, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो वर्ष 1976 में। चलिए 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, तो देखिए भारतीय संविधान के, ठीक है ना, अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो यहाँ से इस चीज़ को आपको क्या करना है कि याद रखना है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कुछ चीज़ ऐसे हैं जो एडवांस फैक्टर हमारा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए भारत राज्यों का संघ है भाग 1 में, ठीक है ना, भाग 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, भाग 3 जो है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, भाग 4 जो है उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है, और भाग 4 के जो
क है, ठीक है ना, उसमें आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक का है, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।